ये देखो भाई, मसाला डाल दिया, कलर चेंज हो गया है, सोदा आर पार बन गया है। आज बनाएंगे तेल का ऑमलेट। ये ले भाई, चैंज की हवा टाइट हो रही है भाई, चारों तरफ इसे शेर दिख रहा है। ओए ओए, अटैक कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कोई कुछ तो खड़ा है भाई। झाड़ी कितनी खतरनाक लग रही है, लग रहा कुछ खड़ा है भाई। ये देखो झोपड़ी के अंदर भाई, ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है भाई। भागने भाई, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई जंगल में कैंपिंग करो, जंगल में कैंपिंग करो। तो आज फाइनली हमारा प्लान बन गया भाई जंगल में कैंपिंग करने का। हम मैगी बनाएंगे भाई, रात को भी जंगल में ही रुकेंगे आज। झूठ मत बोलो गाइस, आज शाम तक जंगल में ही रहेंगे, हो सकता हमें लेपर्ड वेपर्ड दिख जाए। रात तक रहेंगे और पहाड़ के ऊपर चलेंगे रात को। चलो तो भाई अभी विशाल को बुलाते हैं और जल्दी से निकलते हैं भाई जंगल के लिए। अबे साइंस कहाँ गया भाई? तो गाइस अभी सारी एडवेंचर वाली गैंग आ गई है। ये देखो भाई, विशाल भी आ गया और खैबी भी आ गया है। अब चलते हैं भाई जंगल के अंदर, वहाँ मस्त कैंपिंग करेंगे भाई। रात को चीता देखेंगे, चीता ही कहते हैं। आज भाई स्पेशल नेशनल डिस्कवरी से हमने बंदा बुलाया, देसी बियर ग्रिल। इसको बहुत एक्सपीरियंस है भाई, इसे हमने बुलाया और ये पता क्या लेके आ रहा, लठ लेके आ गया। चीता पकड़े टिक्की में डालेंगे भाई। ये देखो कैसा लठ लिया है, ट्रांसपेरेंट लठ। चीता की ढुकाई करनी है इससे। चीता को पकड़ के लाएंगे आज, करतब कराएंगे उससे। हम किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये ओनली हमारी सुरक्षा के लिए है। चलो तो गाइस अभी जल्दी से चलते हैं, रास्ते में से कुछ खाने का सामान लेते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे जंगल। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी बेकरी पे आ गए हैं, अभी मैगी लेते हैं। तो गाइस अभी हमने मैगी ले लिया भाई, मस्त आटे वाली भाई, ताकि नुकसान ना हो पेट वेट में। और बाकी डिस्कवरी वाले बताएंगे सर्वाइवल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। लिक्विड का भी कुछ लेना चाहिए, जैसे पानी की बोतल वगैरह। याद रखिए चीज भाई, हम पास्ता और ले रहे हैं। तो गाइस मस्त कैंपिंग का सामान ले लिया है और चलते हैं अब। चलो तो भाई अभी चलते हैं जंगल में और मस्त फन करते हैं भाई। जंगल में मंगल करेंगे आज, तो चलो गाइस चलते हैं। तो भाई अपनी जंगल पार्टी यहीं से शुरू होगी, यहीं जूस पीने लग गए हम तो। अमृत आ गया भाई, अमृत बहुत गर्मी लगी गाड़ी में। तेन जो लगता मैं ओ नी रहंदे आ कुठे रहंदे लोकी मार दी शाला गड्डी लो नी सन। तो गाइस अभी जंगल के पास पहुंच गए हम, बिल्कुल अभी लोकेशन पर पहुंचने वाले, बिल्कुल कैंपिंग वाली, पर लोकेशन का नाम नहीं बताएंगे। तो गाइस अभी अपनी खतरनाक लोकेशन पर पहुंच गए हैं। ये देखो भाई चारों तरफ पहाड़, मस्त। वाह क्या सीन है गाइस, ये बिल्कुल आइसोलेटेड लोकेशन है भाई, यहाँ कोई नहीं आता हमारे अलावा। सेफ्टी जरूरी भाई, चाहे तो लठ ले आया। तुम सबको मेरे इशारे पे चलना है, ताकि जो भी कुछ मुझको दिखाई दे मैं आप तुम्हें पीछे बता सकूं, बिल्कुल अलर्ट रहना है। चलो तो गाइस अभी यहाँ पे चूल्हा बनाते हैं, अपना खाने वाने का जुगाड़ करते हैं, आधा रात के लिए बचा के रखेंगे, पूरी रात तो रहना है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सरसों मिलेगी जलाने के लिए, तो हमें जलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट तैयार करो माल, भूख लग रही बहुत तेज। ये लोकेशन हमें बहुत अच्छी मिल गई है रात रुकने के लिए, तो हम पहले आग जलाते हैं ताकि जंगली जानवर हमारे पास नहीं आ पाएंगे। सबसे बड़ी भूत नहीं आ पाएंगे, अगर भूत आ गए ना मैं गाड़ी में छुप जाऊंगा भाई। भूत आया ना खैबी को दे देंगे, भूत को कहेंगे ले जाए इसे। तो गाइस अभी चूल्हा रेडी कर दिया है और दो मिनट में आग भी जला दी भाई हमने। दो मिनट तो लगा नहीं, एक ही मिनट लग गया। आज हमारा बढ़िया लक है भाई, सूखा हुआ ईंधन मिल गया, ठंडा आग आग सेक लेता हूँ। तो भाई मस्त आग जल गई है, अभी डालते हैं मैगी, मजा आने वाला है। वाह 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 भाई, बनने से पहले मुंह पानी आ गया। अभी हम डालने वाले हैं बाऊजी के खास मसाले, इसे साइंस वैसे भी खा जाता है। काटेगा रहने दे। ये देखो भाई मसाला डाल दिया, कलर चेंज हो गया है, सोदा आर पार बन गया है। आज बनाएंगे तेल का ऑमलेट। ये ले गाइस, इतनी बेस्ट लोकेशन में भाई कैंपिंग का मजा ही अलग है। किस नाइट स्टे करते हैं यहाँ पे भाई, आज ही रुकेंगे हम यहाँ। अरे भाई मजा आ जाएगा, चीता ही कह दे। शांत को देखो मैगी का मसाला चाट रहा है। इसमें जो मजा है ना वो किसी चीज में नहीं है। वन मिनट में हमारी मैगी तैयार हो जाएगी, इतना अच्छा कलर आया है बहुत ही। गाइस बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस, प्लीज लड़के को फॉलो कर लो गाइस, प्लीज बहुत मेहनत कर रहा है आप लोगों के लिए गाइस, प्लीज कर लो गाइस। भाई शांत को देखो कहाँ जा रहा है छत पे। मैं स्पेस हूँ आज, गाजर में थार की छत पे आ चुका हूँ भाई, लेट गया थार की छत पे। और थोड़ी थोड़ी रात होनी शुरू होगी है भाई, जब 12 बजेंगे ना ये एसी फेल कर देगी, इतनी ठंडी हवा आएगी यहाँ पर। एकदम चारों तरफ पहाड़, चारों तरफ पहाड़, और ये रही हमारी मैगी, कटेगी नहीं आज रात। और भाई मैंने लठ लिया हुआ है, चीता आता ही ना उसका सिर फोड़ूंगा। यहाँ पे चार तरफ पहाड़ है और यहाँ बाघ कभी भी आ सकता है, इसलिए सारे तो ऊपर सोएंगे, मैं गाड़ी के अंदर सोऊंगा। आए हाय क्या हवा है भाई, मस्त मजा आ रहा है। गज आपको वहाँ कुछ दिख रहा है? कुछ छुप के बैठा है, लगता है कोई भूत आ रहा है। जितने धीरे धीरे रात हो रही है ना उतना ही डर लग रहा है। मैं तो चलो छत पे हूँ, मुझे तो कोई डरने की चिंता ही नहीं है, पर डर बहुत तेज लग रहा है यहाँ पे तो। तो गाइस अभी फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है भाई, खतरनाक मजा आएगा खाने में। ये देखो गाइस कितनी मस्त मैगी बनी है भाई, एक नंबर भाई, सिस्टम हैंग, बहुत बढ़िया, बहुत गाढ़ा माल बना है, एक नंबर का। तो गाइस अभी मस्त मैगी सर्व कर रहे हैं भाई, अभी खा के देखते हैं आज कैसी बनी है। मैं तो पतीले में ही खा
खा रहा हूँ, इसमें सबसे तगड़े मजे हैं। ये देखो साथ में चल रही है अपनी मस्त कोल्ड ड्रिंक। हाँ भाई खैवी कैसे मजे आ रहे हैं? मजे तो आ रहे हैं पर चम्मच तो नहीं मिली खाने के लिए। गाइस मैगी तो बहुत ही मस्त हो रही है, रियल में वर्ल्ड की बेस्ट मैगी खा ली भाई आज। बनाई मैंने अभी तो मशरूम पास्ता बचा हुआ है हमारा। बहुत डर लग रहा है, रात होगी हमारे अलावा कोई नहीं है चारों तरफ। गाइस तीनों तरफ पहाड़, जंगल में हम अकेले, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, मगर हमारे पास है आन मिलो सजना। आजा भाई चीता भी सब देख लेंगे। सबसे पहले सुन लो मेरी बात, अगर जंगल में आए हो तो जंगल में डर के रहना पड़ेगा। कोई भी चीज दिखाई देती है उससे डरो, नहीं डरोगे ना शेर बन के आगे चलोगे तो भाई फिर मेरे से मत कहना अपना, ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल। चीता गैदे है कुछ भाई, चैलेंज की हवा टाइट हो रही है भाई, चारों तरफ इसे शेर दिख रहा है। ओए अटैक कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कोई कुत्ता खड़ा है। उसकी सांसों को महसूस करो, कुत्ता नहीं है, थोड़ा दूर रहो आप। भाई झाड़ी कितनी खतरनाक लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ खड़ा है। भाई जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने आग बुझा दी है। पागल भाई हवा निकल रही है अब मेरी। गाइस अभी मस्त पेट पूजा होगी है। बाकी भाई हम सोच रहे भाई जंगल में कैंपिंग कैसे कर लेते हैं लोग, भाई हमें तो झाड़ियां भी शेर लग रही है। भाई कैंपिंग का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, मुझे घर जाना है भाई। हवा टाइट हो रही है हमारी तो। कुछ टाइट नहीं हो रही, मेरे साथ रहो और मेरी बातों को फॉलो करते रहो। भाई हमारे साथ जो बियर गिरी लेना वो ही सबसे पहले भाग के गाड़ी में आया है। डंडा बाहर छोड़ के आ गया सर। गाइस चारों तरफ की झाड़ी जो है ना वो ऐसे लग रही है तो भूत है या कोई तेंदुआ या शेर है। और आवाज इतनी खतरनाक आ रही है ना जंगल में से। अकेला जा सकता बाहर? नहीं सबसे पहले भागूंगा। खैबी तू जा सकता है? मैं तो कभी ना जाऊँ। भाई खैबी को उतारो, जबरदस्ती उतारो। वैसे भाई बियर ग्रिल से पूछते हैं, अगर भाई असली में जंगली जानवर आ जाए तो क्या करना है? तुम्हारे सामने कोई जंगली जानवर आ जाता है तो एकदम से अपनी सांस को रोक लेना है, वो आपको हल्का तो सूंघेगा, और फिर अपना कच्चा टाइट पकड़ना और तीर बढ़ के भागना एकदम से। और कोई तरीका नहीं भाई, बचने का। गाइस टाइम देखो भाई, जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी शीशे के बाहर भी कुछ नहीं दिख रहा है, बस अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। चलो तो भाई अभी खतरनाक गर्मी लग रही है, अभी जंगल से थोड़ी सी बाहर चल के ना नहाने का कुछ जुगाड़ देखते हैं। खैर भी और कोशांस को नहलाते हैं, फिर इनको पूरा एंजॉय करवाएंगे, 11 बजे इनको ले चलेंगे पहाड़ के ऊपर। मैं नहीं जा रहा, मेरे को तो घर जाना है भाई। चलो तो गाइस सबसे पहले जंगल में कुछ नहाने का सिस्टम ढूंढना पड़ेगा हमें। भाई रास्ता देख रहे हो कितना डेंजर है, थार गाड़ी आ सकती है बस इसके अंदर, और कोई गाड़ी भी नहीं आ सकती। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने भाई। देखो व्हाइट व्हाइट सा क्या है? ओए ओए कुछ है भाई, खंबा है खंबा। भाई खंबे भी भूत लग रहे हैं, वो सामने खंबे दिख रहे हैं, वो हमें ऐसे लग रहे हैं जैसे भूत है। सब कुछ भूत दिख रहा है मेरे को तो, घर चल रहा फटाफट। अबे सेंस तू अभी से डर रहा है, पूरी रात रुकना है यहाँ पर यार। मैं तो हनुमान चालीसा गाऊंगा भूतों को सामने। कैसे गाएगा बता? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिल तोतु सागर। गाइस वैसे हम भी अजीब है, रात हो रही है और भाई नहाने के लिए ट्वेल ढूंढते घूम रहे हैं। मैंने कहा था ना मेरी बात का फॉलो करो, सब जुगाड़ कर दूंगा मैं यहाँ पर। जंगल में मंगल करवाता हूँ तुम्हारा, आज मंगल ही करवाना, आप मजा आ जाएगा भाई। यहाँ पे तो असली पूल मिलेगा बहुत बड़ा। भाई जंगल में इतना बड़ा पूल आज तक नहीं देखा हमने। मैंने तो कभी देखा भी नहीं है। भाई गुड़गांव का सबसे बड़ा पूल मिल गया आज हमें, और वो भी गाँव के अंदर। भाई पूल तो मस्त मिल गया था पर वो बंद हो गया। गाइस 9 बजे पूल क्लोज हो गया, नहीं तो भाई बीच जंगल में क्या खतरनाक पूल ढूंढा था भाई, गुड़गांव का सबसे बड़ा पूल। भाई ऐसी जंगल सफारी करी आज, नहाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही और ये चीज पे चीज लाए जा रहे हैं। मैं केक ले आया। भागी भाई अभी विशाल ने नहाने का जुगाड़ ढूंढ लिया है, नहाने के बाद अभी जंगल में चलेंगे। भाई रात में नहाने देखो कहाँ आ गए, भाई भूतिया झोपड़ी यहाँ पे। ओ भाई इसके अंदर मत जाओ, ओ पागलो क्या कर रहे हो भाई, यहाँ पे चुपके बैठा है भूत। भाई ये देखो झोपड़ी के अंदर भाई ब्लैक ब्लैक क्या दिख रहा है भाई, भागले भाई। गाइस अभी हमें पाइप भी मिल गया है, अभी हम नहाएंगे यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे क्या खतरनाक स्विमिंग पूल है भाई, खड्डे वाला, बहुत नीचे तक है भाई, इसमें डूब भी सकते हैं भाई, जंगल है भाई, जंगल कभी हल्के में लेना चाहिए। तो भाई अभी मस्त पानी चलवा दिया है, आज तो मजा ही आ जाएगा। ये देखो भाई पूरी गैंग जंगल में नहा रही है बियर ग्रिल के साथ, आज तो पार्टी होगी। मैंने कहा था मुझे फॉलो करो, मैं एंजॉय कराऊंगा पूरे जंगल का। भाई जंगल में नहा तो रहे हैं मगर मुझे लग रहा है शेर वेर ना आ जाए कहीं। जंगल का सही मजा आ जाए, पूरी मिट्टी को आप फील करोगे, वाओ बाबा की दाता। मजा आ गया बाबा की दाता। आज मेरा ब्याह है और ब्याह वाले दिन ऐसे ना हो, मिट्टी में आए देसी घाटा बाबा की दाता। मजा आएगा भाई बाबा की दाता, ऐसे मारे से मिट्टी बाबा की दाता। जंगल में मंगल कर देंगे लाडले, ऐसे नहाया करो बाबा की दया। ये देखो छमिया डांस कर रही है भाई, फुल मजा आ रहा है बाबा की दया। न्यू खतरनाक जंगल सफारी। गाइस नहाने के बाद तो भाई बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है, भयंकर ठंडी। अब पूरी रात रह सकते हैं हम जंगल में भाई, ठंड लगी ना तो खतरनाक। इतनी गर्मी में ठंड लगी, बाबा की दया मौज आगी लाडले, ठंड लगी सबको, ठंड लगी भाई। गाइस ऐसा करते हैं शाइन को नंगा कर देते हैं जंगल के बीच। गाइस अभी मस्त नहा लिए, अभी हम दोबारा जंगल में जा सकते हैं कैंपिंग के लिए। चलेगा साइंस? चैलेंज खत्म करो, घर चलो, अब जंगल में घूमेंगे, अभी रात नहीं हुई, अभी सुबह हुई है। तो गाइस अभी मस्त नहा लिए भाई, मजा आ गया जंगल में नहा के। बड़ी मुश्किल से एक जगह एक पंप मिला,
उस पे नहाए भाई मस्त। रात में चिल्ड पानी में नहा के मजा आ गया एकदम। अब गई रात के 12 बजने वाले हैं भाई, प्लीज घर चल लो यार, यहाँ पे रहने का मन ही नहीं कर रहा मेरे जंगल में। तो अभी बियर ग्रिल से पूछते हैं रात को हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए या रुकना चाहिए। मैं रुकने की सलाह तो दे सकता हूँ आपको, पर मैं दूंगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अभी हमारे साथ दो बच्चे और श्यांश तो काफी डर रहा है। गाइस वैसे मेरा मन भी था रात को रुकने का, मगर हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम जंगली जानवरों का सामना कर सके। आग जलाएंगे तो भाई गर्मी इतनी हो रही है ना, गर्मी की वजह से हमें नहाने जाना पड़ा। भैया तो आग जला के ना पूरी रात पानी में लेटे रहो। ऐसे करो चैलेंज खत्म करते हैं, इसी दिन और करेंगे चैलेंज। तो अभी चलते हैं घर, तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी आ चुके हैं घर, अभी भाई बियर ग्रिल को बाय बाय बोल देते हैं, अगले बार असली शेर दिखा के लाते हैं तुम्हें। सिरिस्का उद्यान भाई, सिरिस्का में तो असली शेर दिख जाएगा। बाय बाय, बिल्कुल असली शेर दिखाऊंगा और बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी जंगल में कैंपिंग करके आ गए हैं घर। गाइस हमारा प्लान था पूरी रात रुकने का, मगर भाई वहाँ सिचुएशन देखी ना भाई, झाड़ियों से डर लगने लगा हमें, कहीं कोई वाइट सी चीज दिख रही उसे भूत समझने लगी। भाई पूरी रात को जंगल में कैसे रुके, ऊपर से गर्मी और थी, सर्दी में तो रुक भी सकते थे। होप करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।